एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मेरे यूट्यूब चैनल जिंदगी आजकल में आप सभी का स्वागत है। तो बने रहिए मेरे चैनल पर मेरे साथ मेरी वीडियोस देखने के लिए। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और खुश रहें। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली मेरी वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और वीडियो में एंड तक बने रहे। इस वीडियो वी आर गोइंग टू मेक सोया मंचूरियंस। मेरे बच्चे बहुत ही अच्छी चाइनीज रेसिपी बनाते हैं, तो आज आपके साथ शेयर करेंगे और आप एंड तक जरूर बने रहें। तो हम यहाँ पे किचन में आ गए हैं और अब मैं अपने रेसिपी की तैयारी शुरू। और यहाँ पे मैंने सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स जो काटने वाले थे, मतलब वेजीज जो थी वो कट कर लिए हैं, तो मैं भी आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे हमने अपने सारे इंग्रेडिएंट्स ले लिए हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने ली है 2 शिमला मिर्च, इनको काट लिया है। और यहाँ पे मैंने ली है 1 टेबलस्पून सोया सॉस, 2 टेबलस्पून विनेगर, 2 टेबलस्पून चिली सॉस और इनको एक ही जगह ही मिला दिया है। यहाँ पर मैंने लिए हैं 6 पीसेस गार्लिक के, 15 ग्राम ली है जिंजर और उनको बारीक बारीक कट करके 2 बाउल्स में अलग अलग रखा है। ये वाला बाउल मैं यूज़ करूँगी जब हम ग्रेवी बनाएंगे और एक हम उसे पहले ही यूज़ कर लेंगे। और यहाँ पर मैंने ली है 1 टेबलस्पून ब्लैक पेपर और इसको अच्छे से क्रश कर लिया है। पर मैंने लिए हैं 4 अनियन बल्ब्स, अब इनको अच्छे से कट कर लिया है। थोड़ी चाइनीज स्टाइल में बना रहे हैं तो मैंने इसको चाइनीज स्टाइल में कट किया है। यहाँ पर हमने 1 कंटेनर में 1 लीटर पानी रख लिया है। ये पानी हमारी सोया चंक से जस्ट डबल है और अब इसके अंदर हम जो अच्छे से एब्जॉर्ब कर ले, दोनों तरीके के हमने यहाँ पे विनेगर लिए हैं, ब्लैक और वाइट दोनों। अब मैं इसको पानी में मिक्स कर दूंगी। जब ये बॉईल होगी तो बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेगी और इसी साथ इस पानी में जो फ्लेवर आ जाए हम ऐड कर रहे हैं ये जो मैंने काट के रखे हुए थे गार्लिक और जिंजर, अच्छे से हम इसको डाल देंगे। और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ इसमें 1 चम्मच नमक स्वाद अनुसार। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और अब हम इसमें डाल देंगे अपनी सोया चंक्स। अब फिर से इसको अच्छे से चला देंगे और इसको ढकने के बाद इसको बॉईल करने के लिए हम रख देंगे। हम इसको बॉईल करेंगे कम से कम, लक्ष्य कितनी देर तक बॉईल करना है इसको, कम से कम 10 मिनट। आप देख सकते हैं कि पानी आधा हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको 7 से 8 मिनट और ज़्यादा इसको एवेपोरेट करेंगे। यहाँ पे सोया चंक्स ने पानी एब्जॉर्ब कर लिया है। अब हम इन सोया चंक्स में डालेंगे 1 बाउल अरारोट पाउडर। अभी हमें इसमें अरारोट पाउडर की और नीड है तो हम इसमें और मिला रहे हैं अरारोट पाउडर। आप देखते रहें, जब ये सूखे से लगने लगे तब आप मिलाना बंद कर दें। यहाँ पर अब हमने अपनी सोया चंक्स को फ्राई करना स्टार्ट कर दिया है और जब तक ये थोड़ा ब्राउन कलर में हो जाएंगे तब तक हम इन्हें फ्राई करेंगे। मिलते हैं सारे फ्राई करने के बाद। और आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने सारी सोया चंक्स को अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब हम इसको आपको बीच से भी दिखाते हैं कि कितनी ज्यादा जूसी है और टू बी वेरी ऑनेस्ट टेस्ट करने में ऐसे ही बहुत ज़्यादा टेस्टी हैं। तो आगे की रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ पे हमने एक और कढ़ाई अपनी स्टोव पर रख ली है और सबसे पहले हम इसमें 1 चम्मच ऑयल डालेंगे और ये जब तक ऑयल गर्म होगा हम इसमें डाल देंगे जो हमने अलग बाउल में जिंजर गार्लिक और थोड़ी सी मिर्ची रखी थी। अब हम इसको अच्छे से चलाएंगे। इसमें हमने ऐड कर दी है अनियंस, अब इनको भी हम सौते करेंगे और इसी बीच हम इसमें मिला देंगे कैप्सिकम। 1 से 2 मिनट सौते करने के बाद जो 3 सॉसेस को मिला के हमने 1 सॉस बनाई थी वो हमने इसमें डाल दी है। अब हम इसको अच्छे से कुक कर लेंगे। और इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। पानी में और कॉर्न स्टार्च मतलब अरारोट पाउडर, जिससे इसकी कंसिस्टेंसी थिक हो जाए। अब इसमें अच्छे से बॉईल आने देंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे अपनी सोया बॉल्स, ऐड अच्छे से मिक्स करेंगे
तैयार है हमारी सोया मंचूरियंस। एक बार आप भी ज़रूर ट्राई करें, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। मैं इनको कभी आपको मतलब ऐसे वीक में एक बार ट्राई करने के लिए नहीं बोलूँगी, क्योंकि ये इतने ज़्यादा हेल्दी नहीं है, तो आप इसको महीने में एक बार ट्राई ज़रूर कर सकते हैं। तो मम्मा टेस्ट करके बताओ। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अच्छा लगा। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।